if you come to power, what are the five main action points that you would have to change Delhi as the chief minister? पांच नहीं मैं सात बताता हूँ सर। Okay, please. I need that much of liberty. एक तो सर पिछली बार हम लोगों ने रिश्वतखोरी बंद की थी और ये दवाई हमारे पास ही है सर, रिश्वतखोरी बंद करने की टेक्निकल नो हाउ हमारे पास ही है और किसी के पास नहीं है। 65 साल में बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाए, आम आदमी पार्टी ने 49 दिन में करके दिखा दी। तो जिन जिन लोगों का इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना है वो तो सारे आम आदमी पार्टी के साथ ही आएंगे, बिकॉज कोई और पार्टी कर ही नहीं सकती सर, दे डोंट हैव द ग्रेन टू डू इट। तो दोबारा रिश्वतखोरी बंद करेंगे दिल्ली से। दूसरा है सर महंगाई कम करेंगे, पिछली बार में महंगाई कम की थी, दोबारा महंगाई कम करेंगे। तीसरा है सर बिजली, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी एट हाफ द रेट्स ऑफ व्हाट दे आर टुडे, ये पॉसिबल है। आज जितने बिजली के दाम है उससे आधे रेट में 24 घंटे बिजली पॉसिबल है, इसका पूरा हमने खाका बनाया है, वी हैव ड्रॉन अ ब्लूप्रिंट फॉर दैट। नंबर फोर वाटर, घर घर में पानी सस्ते दामों पे, ये पॉसिबल है सर। और एक लाइफलाइन वाटर हम लोग ने डिफाइन किया है 20,000 किलोलीटर, उतना फ्री और उसके ऊपर फिर चार्जेस लगेंगे। तो घर घर में पानी 24 घंटे पानी पहुंचाना, ये पॉसिबल है सर। उसके बाद है शिक्षा, शिक्षा पॉसिबल है सर कि प्राइमरी एजुकेशन, आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब है और हमारा सपना है 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को हम इतना अच्छा कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छे होंगे। और मुझे ये पूरी उम्मीद है 5 साल के अंदर मंत्री ब्यूरोक्रेट्स भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे, फख्र महसूस करेंगे। तो सरकार स्कूलों को ठीक करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में जो फीसों की मनमानी है, एडमिशन के दौरान जो गलत डोनेशन लिए जाते हैं उसको बंद करेंगे। उसके लिए अगर लेजिस्लेशन लाना पड़ा तो लेजिस्लेशन लेके आएंगे। और 20 नए कॉलेजेस दिल्ली में खोलेंगे ताकि आज 95% मार्क्स के बाद भी दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता बच्चों को, क्योंकि पिछले 20 साल से नए कॉलेज ही नहीं खोले गए दिल्ली के अंदर। तो डिमांड हैज आउटस्ट्रिप द सप्लाई, तो दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलेंगे सो दैट मुझे उम्मीद है 70-75% आने पे भी एडमिशन मिलेगा। देन हेल्थ सर्विसेज, आज दिल्ली के अंदर हेल्थ प्राइवेट सेक्टर में इतनी एक्सपेंसिव हो गई है दैट पीपल आर अनेबल टू बियर, और सरकारी महकमे में हेल्थ सर्विसेज बहुत खराब है। तो हर म्युनिसिपल वार्ड में वी विल ओपन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वी विल ओपन सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स इन एट द असेंबली लेवल, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की जितनी कमी है उसको दूर करेंगे, एंड वी विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एंड सेवेंथ इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वीमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसके लिए पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे ताकि अगर कोई भी गलत काम करता है उसकी उसको डर लगेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। हर बस के अंदर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करेंगे, अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाला जाएगा। और पूरी दिल्ली में फ्री वाईफाई करेंगे, उससे क्या होगा विमेन सिक्योरिटी भी उस पर अफेक्ट होगा, क्योंकि हर महिला को हम अपने मोबाइल फोन पे एक सिक्योरिटी बटन देंगे ताकि अगर वो कहीं फंस जाती है जैसे ही वो बटन दबाएगी वाईफाई के जरिए पुलिस के पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पहुंच जाएगी, तो पुलिस 5 मिनट में वहां पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सर। So good you raised these issues, Arvind. There is a huge number of people who have asked questions about women's safety. You have answered that.